पूरी दुनिया में बढ़ रहे आर्थिक संकट के बीच भारत जल्द ही गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा सकता है। गेहूं और चीनी के बाद चावल के निर्यात पर रोक लगाने से विकासशील दुनिया, खासकर अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट गहरा हो सकता है। ये देश पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का निर्यात नहीं होने से खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही विश्व खाद्य संगठन ने भारत से आग्रह किया था कि वो गेहूं निर्यात पर लगी रोक पर एक बार फिर विचार करें। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। बहरहाल, एक आर्थिक अखबार में छपी एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा सकता है। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने खाद्यान्नों की कीमतों पर नियंत्रण करने की रणनीति बनाई है और इसके तहत 5 कृषि उत्पादों को चुना गया है जिनके निर्यात को नियंत्रित किया जा सकता है। बता दें कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। कृषि उत्पादों में चावल के निर्यात से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। भारत लगभग 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। बासमती चावल के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा की अच्छी खासी कमाई होती है और देश के अंदर भी इसकी कीमत ऊंची है और इसे संपन्न वर्ग का ही खाना माना जाता है, लिहाजा इसके निर्यात पर रोक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाए जाने से देश में जहां चावल की कीमतों में गिरावट होगी, वहीं अफ्रीकी देशों को दिक्कत होगी जहां गेहूं और मक्के के बाद चावल दूसरा सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला कृषि उत्पाद है।